सती साध विहोपी सा भवानी भवमोचनी आज्ञा जाते नेत्रा सूलधारनी पिनाकधारनी चिंता रक्त प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशी अपर्णान एक वर्णा चौ पाटला पाटलावती पाटमरी धारणा कलंगिनी अमेर विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी नव दुर्गा चौ मातंगी मातंगी पुली पुष्पा ब्रह्मानी महेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा के बारह ही लक्ष्मी पुष्पा विमलो कृष्ण ज्ञान आखिर ज्ञान धंधे में रुकावट है या घर में अनमन है सास बहु में अक्सर करके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर परिवार बिछड़ जाते हैं। हमारा छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा, पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने देखा था कि आपके पास में दो दो कपाल थे, उन कपालों का क्या रहस्य है? कपाल का कपाल क्रिया होता है, कपाल क्रिया होती है लेकिन एक कपाल लगते हैं आपके पास, शायद मैंने दो देखे थे। पंचमुंड आसन सुने हो? हाँ। इसमें पांच कपाल से ही काम होता है। अच्छा। हम तो तुमको एक दिखाया, दो दिखाया, तीन दिखाया, इसमें जो है पंचमुंड आसन से ही काम होता है और पंचमुंड से ही क्रिया होता है। और ये कहते हैं, मैंने सुना है कि जब कपाल जो मसान होता है उससे जब कोई काम करते हैं तो उससे पहले शमशान जगाना होता है और हर काम मसान से भी नहीं कर सकते। हम हर काम मसान से करते हैं। आप हर काम मसान से करते हैं? हर काम मसान से करते हैं। जैसे किसी के कार्य धंधे में रुकावट है या घर में अनमन है सास बहु में अक्सर करके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर परिवार बिछड़ जाते हैं, हर क्रिया हमारा मसान में होता है। अच्छा। मसान में कल भी तो जो है एक मिनिस्टर आकर के गया, करवा के गई लेडीज मिनिस्टर, नाम नहीं बोलेंगे, सबको यहाँ आना है, जितने बड़े से बड़े हैं छोटे से छोटे हैं सबको यहाँ आना है, सबको आना है। और जीवन में अगर मंदिर है तो मंदिर यही है, जीवन में अगर मंदिर है तो मंदिर मसान ही मंदिर है। यहाँ राजा आएगा वही पांच हाथ जगह मिलेगा, रंक आएगा वही पांच हाथ जगह मिलेगा, राष्ट्रपति आएगा वही पांच हाथ जगह मिलेगा, कोई भीख मांगने वाला आएगा उसको भी वही पांच हाथ मिलेगा। ऊपर वाले के तरफ से जो है ये बंटवारा नहीं है, बंटवारा तो ये इंसानों ने कर दिया। जो सिद्धि के लिए तुमने जो बताई वो सिद्धि कई तरह की होती है, बाबा ने जो सिद्धि करी वो शमशान की मसनी सिद्धि करी, वो जो हर काम है वो मसन में बैठ के काम कर सकती है, उनकी शक्ति यहाँ पे ही है। जिनकी घट पे ही है घट पे बैठ के सिद्धि करती है वो अलग चीज होती है, जो जंगल में बैठे सिद्धि करती है वो अलग चीज होती है, लेकिन अलग अलग सिद्धि अलग अलग होती है। ये बाबा की सिद्धि मसनी की है, जो कोई काम रखा आप जो बोली जो कोई माई की गर्भ बंद है उसकी बच्चा होता नहीं है तो बाबा यहीं बैठ के काट देती है। आने ही तो जरूरत है, अगर तुम्हारी बीमारी है अगर तुम दवाई ना खाओगी तो बीमारी कैसे ठीक होगी, आना ही पड़ेगी बाबा के चरण में ही है। नहीं आने से भी होता है, नहीं आने से भी होता है, डिजिटल अभी हो गया है नहीं आने से भी होता है, लेकिन आदमी को विश्वास नहीं रहता है कि हमारा काम बाबा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी पृथ्वी जो है अभी यही भी ये जो है यही अभी जो है दो नंबरी हो गया है। इस तरीके की किसी को प्रॉब्लम है और वो समाधान चाहता है तो उसको अगर वो नहीं आ सकता तो क्या क्या चीज आपके पास भेजे वो?